गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आचार्य पी खुराना। ज्ञान सूत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके इस प्रोग्राम ज्ञान सूत्र में आपका बताएंगे कि आपका आने वाला सप्ताह कैसा है आपकी राशि अनुसार, इसके साथ आपका लकी दिन कौन सा है, लकी रंग कौन सा है, सप्ताह का एक खास उपाय और एक सावधानी आपकी सभी उलझनों को समाप्त करेगी। और आज हम टिप्पणी में बताएंगे कि आज है सूर्य षष्ठी का व्रत, क्या है पूजा, क्या है विधि, क्या है विधान, इसके साथ हम आपके खास ईमेल का जवाब देंगे। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि एरियस, कारोबार में नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। कला संगीत में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जो लोग ऑडिशन देना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, मौका हाथ से जाने मत दीजिए। लकी कलर इज रेड, लकी डे इज ट्यूसडे। सप्ताह का उपाय क्या है, गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। सावधानी क्या है, किसी व्यक्ति से झूठा वादा नहीं करना, प्राण जाए पर वचन ना चाहिए। वृषभ के टॉरस, इस सप्ताह आप एक सुनहरे भविष्य की शुरुआत देख सकते हैं। रिश्ते की बातचीत हो सकती है। अगर आपकी शादी नहीं हुई, इंतजार कीजिए, कुंडली मिलाइए, शादी की बात बढ़ाइए। लकी कलर्स ब्राउन एंड लकी डेज थर्सडे। सप्ताह का उपाय क्या है, लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर चंदन की अगरबत्ती जलाए। सावधानी क्या है, भाग्य भरोसे बिल्कुल मत बैठिए, बिकॉज लाइफ इज एन एक्शन, इट्स नॉट अ कंटेम्पलेशन। मिथुन यानी कि जेमिनी, आपकी कल्पनाएं जो आपकी जिज्ञासा है उसका हकीकत रूप लेगी। आपको कोई उपहार या अचानक धन के लाभ का योग बन सकता है। लकी कलर इज पर्पल, लकी डेज मंडे। सप्ताह का उपाय क्या कहता है, सफेद पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करें मंडे के दिन। सावधानी, किसी के बेकामे में मत आइएगा। कर्क यानी कि कैंसर, मन की आपकी बेचैनी, आपकी उदासी दूर होगी। नई योजनाओं को सफल बनाने में आप कामयाब होंगे। लकी कलर इज मैरून एंड लकी डे सैटरडे। सप्ताह का उपाय क्या कहता है, मनी प्लांट पर मीठा दूध चढ़ाएं। सावधानी, कोई भी मौका अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने दीजिएगा। सिंह यानी के लिए, नौकरी के लिए आप प्रयास करेंगे तो सफलता प्राप्त होगी। आपके अंदर की छुपी प्रतिभा उजागर होगी शुक्रवार से पहले। लकी कलर इज सैफ्रन एंड लकी डे इज मंडे। सप्ताह का उपाय क्या कहता है, गाय को गुड़ और चना खिलाएं। सावधानी क्या है, बिन मांगे किसी को मशवरा मत दीजिएगा, समस्या हो सकती है। कन्या यानी कि वर्गो, नाम एवं प्रसिद्धि के आपके योग बनेंगे। जमीन जायदाद खरीदने और बेचने के समय आपका बहुत ही अनुकूल है। लकी कलर इज ग्रीन एंड लकी डे इज वेडनेसडे। सप्ताह का उपाय क्या कहता है, केसर का तिलक अपने माथे पे लगाएं। सावधानी, किसी भी बीमारी को छोटा मत समझिएगा। नीम हकीम खतरा जान, डॉक्टर का मशवरा लीजिए। आप सुन रहे हैं हमारे साथ ज्ञान सूत्र की बात हम कर रहे हैं, जिसमें हम सप्ताह का हाल बताते हैं और हर सप्ताह आपके समक्ष आते हैं आपके लिए कुछ नया योग लेकर, नई बात लेकर, नया टिप ऑफ द वीक लेकर। लकी कलर बताते हैं, लकी डे बताते हैं, उपाय बताते हैं और सावधानी बताते हैं, जिससे आपकी उलझनें समाप्त होती हैं। टिप ऑफ द वीक में आप इंतजार करते रहिए और अपने प्रश्न का इंतजार करिए कि आपके लिए हम उस खजाने में क्या लेके आए हैं। बात करते हैं तुला राशि की। लिब्रा, इस सप्ताह आमदनी कम और खर्चा ज्यादा होगा। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। लकी कलर्स ऑरेंज एंड लकी डेज फ्राइडे। सप्ताह का उपाय क्या कहता है, लाल कपड़े में पीली सरसों बांधकर घर की पूर्व दिशा में रखें। सावधानी क्या है, गलत संगत आपकी छवि खराब कर सकता है। मैले से निर्मल भय, साधु जन के संग। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, कोर्ट कचहरी के जुड़े मामले आपके सुलझेंगे। घर में पूजा पाठ एवं शुभ कार्य संपन्न होंगे, मांगलिक कार्य होंगे। लकी कलर इज ग्रे एंड लकी डे इज थर्सडे। सप्ताह का उपाय क्या कहता है, मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्थ्य का निशान बनाएं बृहस्पतिवार को। सावधानी क्या है, किसी प्रकार का आडंबर दिखावा त्यागी, माथा तिलक लगाए के भक्ति ना इरास। धनु यानी कि सैजिटेरियस, इस सप्ताह कोई बहुत बड़ी उपलब्धि आपको प्राप्त होगी। परिवार में सुख समृद्धि आएगी, भाग्य आपका साथ देगा। लकी कलर इज फिरोजी एंड लकी डे इज ट्यूसडे। सप्ताह का उपाय क्या कहता है, मंदिर के पुजारी को फल दे शुक्रवार के दिन। सावधानी क्या है, किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना, नो स्टॉक मार्केट, नो स्पेकुलेशन एट ऑल। मकर यानी कैप्रिकॉर्न, अचानक धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। सप्ताह के मध्य में किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। लकी कलर इज येलो एंड लकी डे इज थर्सडे। सप्ताह का उपाय क्या कहता है,
घी का दीपक किसी धर्म स्थान पर जलाए, सावधानी क्या है? अपनी मेहनत में, अपने श्रम में बिल्कुल किसी प्रकार की कमी मत आने दीजिएगा। कुंभ यानी एक्वेरियस, आपकी लोकप्रियता पहले से बढ़ेगी, विद्या ख्यापित ख्याति। संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा। लकी कलर पिंक एंड लकी डेज वेडनेसडे। सप्ताह का उपाय क्या कहता है? जनेऊ लेकर अपने कद अनुसार दुगुना लेकर पीपल को बांधे बृहस्पतिवार को उलझने समाप्त होंगी। सावधानी क्या है? दूसरों के कार्यों में दखल अंदाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। मेन यानी पाइसेस, विदेश से जुड़ी कोई भी समस्या हो उसका समाधान होगा। अगर आप बेरोजगार है, नौकरी की तलाश है, समझिए कि नौकरी की आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। लकी कलर व्हाइट एंड लकी डेज फ्राइडे। सप्ताह का उपाय क्या कहता है? नारियल पर मौली बांधकर धर्म स्थान पर अर्पित करें। सावधानी क्या है? अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। एक चुप और सौ सुख। ये था आपका साप्ताहिक विषय। बात करते हैं टिप ऑफ द वीक की। आज सूर्य षष्ठी व्रत है, क्या है पूजा और विधि? आज के दिन स्नान के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। अब कई बार क्या होता है, गंगा जल कहां से लाएं? कोई बात नहीं जी, धर्म स्थान का पानी लाकर आप स्नान के पानी में डाल दीजिए। घर की पूर्व दिशा में लाल आसन बिछाएं, आसन के ऊपर तांबी गडवी में पानी भरें, गडवी में चंदन चावल लाल फूल कुशा रोली एवं गुड़ डालें, गडवी के ऊपर सूर्य देव की प्रतिमा रखें, लाल चंदन की माला से इस मंत्र का जाप करें, ओम हरि घृण सूर्याय नमः 10 माला अगर आपने आज के दिन जाप कर लिया और उस पानी को सूर्य को अर्पित कर दिया तो समझिए आपकी दीर्घायु होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, विद्या की प्राप्ति होगी, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवान भव। जितने भी आशीर्वाद आप सोच सकते हो, सारे के सारे आशीर्वाद आपको ब्रह्मा विष्णु महेश के आशीर्वाद प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं आपके आज के प्रश्न की। आज का प्रश्न क्या है? आज का जो हमें मेल भेजा हुआ है, जो एक भाग्यवान व्यक्ति है जिसका नाम है निशा, दिल्ली से लिखती हैं, इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ की सारी डिटेल में भेजी हैं। ये कहती मेरी मैरिड लाइफ ठीक नहीं चल रही। पहली बात सुनिए, आपकी अपनी कुंडली में मंगल निष्ठ है, आप आंशिक तौर पे मांगलिक हैं और आंशिक तौर पे कालसर्प योग भी है, जिसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं हो रही। करना क्या है? हे गौरी शंकर अर्धांगनी यथा सोम शंकर प्रिया तथा मां कुरु कुन्यानी कांता कांतम सुंदर धाम, इस मंत्र का उच्चारण डेली करते रहिएगा। हनुमान चालीसा अपने मंदिर में शाम को देनी है, मंगलवार को, और मंडे को एक बादाम प्रातःकाल शिवलिंग पे रखना है। इसके साथ एक पुखराज जिसका भी तो कम से कम 5.25 रहती रिंग फिंगर इंडेक्स फिंगर में धारण कीजिएगा। लेकिन निशा जी एक आपको बात बता दें, बाकी भी लोग सुन लें, जब आप अपनी मैरिड लाइफ की बात करते हैं या संतान की बात करते हैं, डेट ऑफ बर्थ जो है पति और पत्नी दोनों का चाहिए। अगर हम आपको जो राय दे रहे हैं मात्र आपके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार दे रहे हैं, निशा की तरह आपकी भी मन की उलझन आपको सता रही है, आप ये चुरस्ते पे खड़े हैं, आपको कुछ नजर नहीं आता, तो हर सप्ताह हम आपके समक्ष आएंगे और हम प्रार्थना करते हैं कि आपका आने वाला सप्ताह उत्तम हो, शुभ हो। गॉड ब्लेस यू।